आज जो तीसरा कारण मैं आना चाहता हूं, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है, पहला उनकी राज्य सरकार विफल थी, दूसरा उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले क्योंकि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई बलिदान दिया, शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं सर, बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर, कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इन उनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर, ये किसकी सरकार है? जब चीन पर हमने सवाल किया, चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितना है, आए कितने किलोमीटर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्या बातचीत की, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हाँ, हमने ये बात हमने छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ बाली में किया। हम पूछना चाहते कि क्या बातें की आपने, क्या आपने क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पर उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे।